नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा देकर बीजेपी अपने जन से ही राजनीति करती रही। और आज जब मोदी योगी राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यूपी में बीजेपी ने जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जैसे गानों के दम पर दोबारा सत्ता हासिल कर। हिंदुत्व की राह पर चल रही बीजेपी को चुनाव दर चुनाव मिलती सियासी सफलता का ये रास्ता लगता है अब विपक्ष को भी भाने लगा। यही वजह है कि भगवान राम का मंदिर बन जाने के बाद अब देश में उनके परम प्रिय भक्त हनुमान के नाम पर सियासत जोर पकड़ने लगी। बजरंग बली के नाम पर सियासत तो वैसे भी होती रही। जब भी भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ या हनुमान जी का जन्मस्थान माने जाने वाले कर्नाटक में जब भी चुनाव होता है, बजरंग बली के नाम पर खूब सियासत होती और अली बजरंग बली जैसे नारे गूंजते रहते। लेकिन इधर बीच सिर्फ कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजरंग बली के नाम पर सियासत जोर पकड़ने लगी। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जहां देखिए वहां तमाम पार्टियों के नेता बजरंग बली के चरणों में नतमस्तक नजर आ रहे। राज ठाकरे ने छेड़ा हनुमान चालीसा का राग। मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाकर होती अजान के विरोध में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने नवरात्रि के समय से ही मोर्चा खोल दिया और उद्धव सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने ऐलान किया है कि मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे चाहते तो नवरात्रि में माता के भजन बजाने का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम भक्त हनुमान की चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, क्योंकि भगवान राम के बाद उनके भक्त हनुमान जी के चरणों में आजकल ज्यादातर नेता शीश नवाते नजर आ रहे। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान के बदले हनुमान चालीसा का पाठ विवाद अब यूपी भी पहुंच गया और लोग लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे। कांग्रेस भी बजरंग बली की शरण में पहुंची। बीजेपी अपने जन्म से ही राम मंदिर निर्माण का समर्थन करती रही, लेकिन कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बोलने से बचती रही। यहां तक कि बीजेपी तो उस पर भगवान राम और राम सेतु को काल्पनिक बताने का आरोप लगाती रही। लेकिन इसके बावजूद अब कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ने लगी। यही वजह है कि अगले साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर अपने पदाधिकारियों, विधायकों व कार्यकर्ताओं को रामलीला, सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश दे दिए, ताकि जनता में अपनी पैठ और मजबूत कर सके। भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम को पाखंड बताया और कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने भगवान राम और राम सेतु को काल्पनिक बताया था। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव के मिश्रा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के निर्देश जारी किए गए। कमलनाथ भगवान हनुमान के भक्त हैं और पिछले कई सालों से छिंदवाड़ा में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कदम बता रहा है कि कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करने से कतराने वाली कांग्रेस आज उनके भक्त हनुमान के नाम पर खूब सियासत करने में जुटी हुई। बजरंग बली के दम पर मोदी साधेंगे गुजरात। देश भर में 16 अप्रैल को जब हनुमान जयंती मनाई जा रही थी, तो उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में बजरंग बली की 105 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। भगवान हनुमान से संबंधित चार धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जानी है। इसी कड़ी में ये हनुमान जी की दूसरी मूर्ति है जो पश्चिम दिशा में स्थापित हुई। इसकी स्थापना मोरबी के बापू केशवानंद आश्रम में की गई। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि गुजरात में इसी साल के आखिर में चुनाव भी होना। ऐसे में बीजेपी बजरंग बली के नाम का सहारा लेती नजर आए तो हैरान मत होइएगा। वैसे इस प्रतिमा के बारे में एक बात और आपको बता दें, इस श्रृंखला की पहली मूर्ति साल 2010 में उत्तर दिशा में यानी शिमला में स्थापित की गई, जबकि पीएमओ की ओर से कहा गया है कि दक्षिण दिशा में ये मूर्ति रामेश्वरम में स्थापित की जानी और इसका काम भी आरंभ हो गया। केजरीवाल भी जपने लगे जय हनुमान। विकास के मुद्दे पर राजनीति करने का वादा करके आई आम आदमी पार्टी ने भी पिछले कुछ सालों से हिंदुत्व और देशभक्ति की राह पकड़ ली और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तो खुद कहने लगे हैं कि उनकी पार्टी कट्टर देशभक्त है और हिंदू वोट बैंक साधने के लिए रामलला के दरबार अयोध्या में मत्था भी टेका है।
इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने राम भक्त बीजेपी से टक्कर लेने के लिए हनुमान भक्ति का खूब इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि भाषणों से लेकर न्यूज चैनलों तक में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी नजर आए थे। अखिलेश ने भी खूब भांजी बजरंग बली की गदा। बीजेपी आज भी समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों पर गोलियां चलाने का आरोप लगाती रही और मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहती रही। यूपी चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों को उठाकर सपा को घेरा, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मानो भगवान राम के भक्त हनुमान को बीजेपी पर पलटवार करने का हथियार बना लिया था और बीजेपी पर पलटवार करने के लिए भगवान हनुमान का सहारा लिया था। लाल रंग और लाल टोपी को लेकर जब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग तो भगवान हनुमान का भी है। इतना ही नहीं, कई चुनावी रैलियों में तो अखिलेश यादव बजरंग बली की गदा भांजते हुए भी नजर आए, लेकिन उनकी ये रणनीति काम नहीं आई और जब चुनावी नतीजे आए तो एक बार फिर सपा सत्ता से दूर रह गई। बीजेपी तो शुरू से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती रही, लेकिन कांग्रेस सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि वो एक खास वर्ग के वोट बैंक के लालच में अब तक हिंदू और हिंदुत्व की बात करने से कतराते थे, लेकिन अब उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली। बस फर्क यही है कि इस बार राम का नाम कम, उनके भक्त हनुमान के नाम की चर्चाएं खूब हो रही और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अयोध्या के राम मंदिर विवाद से बाबरी मस्जिद का नाम भी जुड़ा था, जिसकी वजह से विपक्ष राम का नाम लेने से कतराते थे। लेकिन कोर्ट के फैसले से अब उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा और ये सिर्फ एक मंदिर निर्माण नहीं हो रहा, बीजेपी का वादा भी पूरा हो रहा और राम मंदिर निर्माण के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी भी बजरंग बली के नाम पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाएगी। बहरहाल बीजेपी के अलावा विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बजरंग बली की शरण में जाने लगी है, इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आमंत्रित करें। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। महामंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी जी और राम कथा आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव, गुजरात की इस धर्मस्थली में उपस्थित सभी साधु संत महंत महामंडलेश्वर एससी ट्रस्टा नंदा ट्रस्ट के सदस्यगण, अन्य विद्वान और श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदाई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि बीते कुछ दिनों के भीतर
मुझे मां अंबाजी, उमिया माता धाम, मां अन्नपूर्णा धाम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है।